Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 1996 में रिलीज हुई एक इटालियन रोमांटिक कॉमेडी द साइक्लोन की, जिसके लीड एक्टर और डायरेक्टर हैं लियोनार्डो पियराचोनी। और ये कहानी है एक यंग आदमी की जिसके जिंदगी में कोई भी रिलेशनशिप टिकता नहीं, पर ये सब कुछ बदल जाता है जब उसकी जिंदगी में प्यार नाम का एक तूफान आता है। फिल्म की शुरुआत होती है इटली में टस्कनी के एक सड़क पर, जहां एक आदमी अपनी बाइक पर कहीं जा रहा है। वो अपनी बाइक के बारे में हमें बताता है जो सालों से उसके साथ रही। कई सारी नई बाइक आती गई और इस बाइक ने कई सारे मौसम देखे, मगर ये बाइक फिर भी कभी खराब या पुरानी नहीं हुई। पर 1988 में हुए एक हादसे की वजह से ये आदमी अपनी बाइक से अलग हो गया, क्योंकि एक तूफान बिन बताए अचानक से आता है और अपने साथ सब कुछ ले जाता है। ये आदमी है लिवांते, जो एक अकाउंटेंट है और अपने शहर के आधे से ज्यादा लोगों के बिजनेस के अकाउंट संभालता है, जिनमें से एक है कार्लिना, जो उसके प्यार में पागल है, और एक उसका दोस्त जिसकी दुकान में अजीबो गरीब लोग रोज आते रहते हैं। उन दोनों के अलावा लिवांते अपने और दो दोस्तों के अकाउंट संभालता है, जिनमें से एक मैकेनिक है और एक वेट्रेस है। लिवांते हर चीज को मैथ्स की नजर से देखता है और मानता है कि ऐसे छोटे शहर में रहकर हर कोई एक नमूना बन जाता है, क्योंकि यहाँ किसी का कोई राज नहीं होता, हर किसी को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होता है। लिवांते इस शहर में अपने पिता, एक भाई और एक बहन के साथ रहता है, और शहर के दूसरे लोगों की तरह ही इनकी जिंदगी भी रोज एक ही तरह से कटती है। लिवांते की जिंदगी में दो ही प्रॉब्लम्स है, एक कि उसकी टीवी का सिग्नल नहीं मिलता और दूसरा कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं मिलता। उसकी बहन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश नहीं है और लिवांते चाहता है कि वो उसे छोड़कर अपने लिए कोई नया साथी ढूंढे। वहीं दूसरी ओर उसके भाई को उसकी बहन की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं, वो बस अपने कमरे में एक ही तरह की पेंटिंग्स बनाया करता है। लिवांते अपनी बहन की गर्लफ्रेंड इसाबेला से बात करने के लिए जाता है, जो ये कहती है कि अब उन्हें अपनी सच्चाई बाहर लानी होगी और वो ज्यादा दिन तक ये नहीं छिपा सकते कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लिवांते कहता है कि अगर शहर में लोगों को पता चला कि वो दोनों होमोसेक्सुअल्स हैं, तो उनके साथ वो लोग बुरा बर्ताव करेंगे, पर इसाबेला ये कहती है कि उन दोनों का प्यार प्यार ही है और इसमें कोई बुरी बात नहीं। वहाँ आया एक कस्टमर जिसे लिवांते जानता भी नहीं, वो भी उसे यही बात समझाता है। एक रात उस शहर में एक वैन में एक आदमी आता है, जो गलती से होटल की जगह लिवांते के घर पहुंच जाता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि एक तूफान की वजह से उस होटल का साइन बोर्ड गिर जाता है। लिवांते उस आदमी को सही रास्ता बताने के लिए बाहर जाता है और तब उसकी नजर पड़ती है कुछ स्पैनिश लड़कियों पर जो उस वैन में आई है। उसका भाई और वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पर टूटी फूटी स्पैनिश की वजह से उनसे बात नहीं कर पाते। उन्हें पता चलता है कि वो लड़कियां मैड्रिड से आई हुई प्रोफेशनल डांसर्स हैं। उनका मैनेजर उन्हें बताता है कि होटल वालों ने उनके रूम्स किसी और को दे दिए हैं और आसपास में कोई भी होटल नहीं। उन लड़कियों के रिक्वेस्ट करने पर लिवांते के पिता उन्हें अपने घर में रहने के लिए कहते हैं। उनमें से एक डांसर और लिवांते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और तब लिवांते का टीवी भी ठीक हो जाता है और उसके फोन में नेटवर्क भी मिलने लगता है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। लिवांते की बहन को भी उनमें से एक लड़की पसंद है और वो चाहती है कि वो और उसका भाई इस बारे में कुछ करे, पर लिवांते उसकी बात सुने बिना उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। पर लिवांते का भाई उसके आगे वैसी ही जिद करने लगता है। लिवांते उन दोनों को मना करके खुद जाकर उस लड़की कैटरीना से बात करता है और अपनी टूटी फूटी स्पैनिश बोलकर उसके साथ जान पहचान बढ़ाने लगता है। वो कैटरीना को अपने अंकल जीनो से बात करवाने भी ले जाता है, जो अपने घर के अंदर से ही उससे बातें करता है। उसी रात लिवांते कैटरीना के करीब आने की कोशिश करता है, पर उन दोनों के बीच उसकी बहन आ जाती है। अगले दिन लिवांते के दोनों दोस्त उन स्पैनिश लड़कियों के बारे में उससे पूछते हैं, पर लिवांते उनसे कहता है कि अब तक तो वो लोग वहाँ से निकल भी चुके होंगे। और तब लिवांते का दोस्त उसे बताता है कि वो लोग अब भी इसी शहर में हैं, क्योंकि लिवांते के ही घर से स्पैनिश म्यूजिक की आवाज आ रही है। ये सुनकर वो तुरंत वहाँ से निकलता है और अपनी बाइक इतनी तेज भगाता है कि रास्ते में धीरे धीरे उसकी बाइक टूटने लगती है और उसका ब्रेक भी फेल हो जाता है।
वो बाइक जो इतने सालों तक ठीक थी वो अब लेवांते के इतने तेज आने की वजह से अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। और यह सब कुछ हुआ क्योंकि लेवांते की जिंदगी में प्यार नाम का तूफान आया। उन लड़कियों के साथ आया उनका मैनेजर एक दिन रोने लगता है और उसे संभालने के लिए लेवांते की दोस्त उसके पास जाती है। वो कहता है कि वो बर्बाद हो गया है और उसके पास अब कोई काम नहीं रहा क्योंकि उस शहर के मेयर ने उसका बिजनेस बंद करवा दिया है। ये सुनकर वो उसे समझाती है कि ये एक छोटा शहर है और यहाँ किसी के पास भी बड़ा काम नहीं, यहाँ हर कोई मामूली काम करता है। वो मैनेजर उसे बताता है कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं, उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर बेहतर महसूस करने लगते हैं और दूसरी ओर लेवांते की बहन कैटरीना के करीब आने लगती है, जो देखकर लेवांते उसे बहाने से कैटरीना से दूर रखने लगता है और खुद उसके करीब आने के लिए उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। हर कोई अपने काम से भटक कर अपना ध्यान प्यार की तरफ कर देता है और लेवांते के पिता भी उन दो ड्राइवर से दोस्ती कर लेते हैं और अपने बेटों से छिपकर ड्रग्स भी लेने लगते हैं। रात को मैनेजर आकर उन लड़कियों को बताता है कि जिस टूर पर वो लोग निकले थे वो कैंसिल हो चुका है और उन्हें वापस स्पेन जाना होगा, पर कॉम्पेंसेशन के लिए उन सबके पैसे उन्हें मिल जाएंगे। और वो सारे लोग स्पेन जाने के लिए निकलते हैं। कैटरीना लेवांते को अलविदा कहने आती है और उसे अपना बूमरैंग देती है। लेवांते उससे बहुत कुछ कहना चाहता है पर कुछ कह नहीं पाता। उन सबके जाने के बाद उस रात वो पूरा परिवार अपने घर के बाहर एक कॉमेट देखने के लिए बैठता है जो 70,000 सालों में एक बार दिखता है। एक एक करके वो लोग सोने जाते हैं और तब लेवांते की बहन उससे कहती है कि वो उन स्पेनिश लड़कियों में से एक लड़की पेनेलोपी को नहीं भूल पाएगी और लेवांते कहता है कि वो कैटरीना के दिए हुए बूमरैंग को नहीं भूल पाएगा। अगले दिन जीनो उसे बताता है कि उसने कॉमेट देखा जो एक बार दिखकर वापस चला गया और कुछ देर के लिए वापस आया। वो कहता है कि कैटरीना भी उस कॉमेट की तरह 70,000 साल बाद वापस उसके पास आएगी। रास्ते में लेवांते को वो आदमी दिखता है जो उसके दोस्त की दुकान में लॉटरी टिकट लेने के लिए आया करता है। वो कहता है कि साइन बोर्ड वो उल्टी तरफ घुमा रहा है ताकि अगली बार वो डांसर्स आए तो लेवांते के नहीं उसके घर के पास आए। लेवांते उसे शहर तक लिफ्ट देता है और कैटरीना के वापस जाने से हर किसी से खराब मूड में बात करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त उस मैनेजर से प्यार करती है और जानती है उनकी कंपनी का नाम क्या है और वो लोग कहाँ ठहरे हैं। उनके बारे में पता चलते ही लेवांते वहाँ से निकलता है और अपनी बहन के साथ उनके होटल में जाता है जहाँ उन्हें पेनेलोपी मिलती है। वो उसे बताती है कि कैटरीना कुछ देर पहले ही रेलवे स्टेशन गई है। लेवांते अपनी बहन को पेनेलोपी के पास छोड़कर कैटरीना को रोकने जाता है, पर जैसे ही वो कैटरीना के पास पहुंचता है वो देखता है कि वो किसी आदमी को वहाँ लेने आई है। वो कैटरीना को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर उदास हो जाता है। उसके पिता और भाई बहन उसे उदास देखते हैं और उसे चिढ़ाते हैं ये कह के कि उसे प्यार हो गया है। पेनेलोपी ने लेवांते की बहन को डिनर पर इन्वाइट किया है और वो लेवांते को बताती है कि वहाँ सारी लड़कियाँ होंगी और कैटरीना और उसका बॉयफ्रेंड अलेहांद्रो भी वहाँ होंगे। वो चाहती है कि लेवांते भी उसके साथ चले, पर लेवांते वहाँ अकेला नहीं जाना चाहता, तो उसकी बहन उसके साथ जाने के लिए कार्लिना को बुलाती है, जिसे अजीब से कपड़े पहने देख लेवांते अपनी बहन पर गुस्सा करता है। वो लोग उसे समझाते हैं कि उसे लेवांते के मंगेतर होने का नाटक करना होगा और ओवर कॉन्फिडेंस में वो एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। कार्लिना की अजीबो गरीब हरकतों को देखकर सारे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और कैटरीना को पाने की लेवांते की उम्मीद उसी के साथ खत्म होने लगती है। अलेहांद्रो भी, जो कि एक शिकारी है, कैटरीना की ही तरह अपनी शिकार की बातें कर करके सबको थका देता है। वो सब एक दूसरे से पूछते हैं कि अगर वो किसी आइलैंड पर फंस गए तो अपने साथ क्या रखना चाहेंगे, जिस पर हर कोई अलग अलग जवाब देता है। और जब कैटरीना की बारी आती है तो वो कहती है कि वो अपने साथ अपना बूमरैंग रखना चाहेगी। लेवांते ये कहना चाहता था कि वो अपने साथ कैटरीना को रखना चाहता है, पर फिर कहता है कि एक टीवी ले जाना चाहेगा। वो इस सबसे परेशान हो जाता है और तब उसे अकेले में कैटरीना मिलती है, जिसे वो बताता है कि वो लड़की उसकी मंगेतर नहीं है। और तब वो उससे पूछता है कि उसे वो शिकारी सचमुच पसंद है या नहीं, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती। कैटरीना और अलेहांद्रो की अजीब हरकतों के बीच सारे लोग अनकंफर्टेबल होने लगते हैं और तब वहाँ आती है इजाबेला, जो गुस्से में लेवांते की बहन पर चिल्लाती है। शराब की हालत में धुत कैटरीना उस पर चिल्लाती है, जिसके बाद इजाबेला उसे मारकर वहाँ से निकलती है, पर लेवांते को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को लेवांते और कैटरीना उन सबके साथ उसी होटल में रुकते हैं
और तब उसे पता चलता है कि कैटरीना और अलेहांद्रो एक दूसरे के साथ खुश नहीं। उनके झगड़े की आवाज सुनकर वो उनके कमरे के पास जाता है और तब अलेहांद्रो कमरे से बाहर निकलकर वहां से निकल जाता है। ये सब कुछ वो मैनेजर भी देखता है और वो लेवांते से कहता है कि अब उसकी बारी है, वो हमेशा से यही चाहता था। लेवांते ये सुनकर खुशी खुशी कमरे में जाता है क्योंकि उसके लिए ये सही मौका है कैटरीना के करीब आने का। वो कैटरीना के पास जाकर पूरी तैयारी के साथ उसके पास बैठता है कि तभी कैटरीना उसे गुस्से से बाहर जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद कैटरीना बाहर आती है और लेवांते से कहती है कि उसे भूख लगी है। लेवांते कैटरीना को तब बाहर ले जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और तब एक दूसरे के बारे में सब कुछ ठीक से जानने लगते हैं। उस रात वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक वॉक पर जाते हैं और बहुत दूर तक चलते हैं। लंबी बातचीत में उन्हें एक दूसरे के बारे में और भी नई चीजें मालूम पड़ती है और समझ आता है कि वो दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ अगली सुबह तक वक्त गुजारते हैं और फिर कैटरीना के वापस स्पेन जाने के लिए लेवांते उसे ट्रेन में बिठाता है। जाती हुई ट्रेन को देखकर लेवांते को ये समझ आता है कि अगर वो साइन बोर्ड तेज हवा की वजह से नहीं गिरता तो वो कैटरीना से कभी नहीं मिल पाता। कुछ वक्त बाद मैनेजर और लेवांते की दोस्त की शादी हो जाती है, पर लेवांते उस शादी को अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि उस वक्त वो स्पेन में था। वो स्पेन में कैटरीना के साथ रहता है और वहाँ अकाउंटेंट का ही काम करता है और लेवांते और कैटरीना एक दूसरे के साथ वही खुशी से रहते हैं। जिस दिन लेवांते के बेटे जीनो का जन्म हुआ उसी दिन उसके अंकल जीनो गुजरे थे और स्पेन आने से पहले उसने जीनो को बताया था कि वो स्पेन जा रहा है। तब जीनो ने उससे सिर्फ एक चीज कही जो लेवांते कभी भूल नहीं पाएगा। ओले! उसने स्पेनिश में कहा ओले, यानी कि ब्रावो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।